क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि में कन्या पूजन करने से क्या क्या लाभ हो सकता है? यह प्रथा सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि ये आपकी जिंदगी में धन, यश और मोक्ष ला सकती है। नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से अष्टमी और नवमी को किए जाने वाला कन्या पूजन यह कोई साधारण प्रथा नहीं है। प्राचीन धर्म ग्रंथ धर्म सिंधु में इसकी विशेष विधियों का वर्णन है, जो आपके जीवन में धन, विद्या, ऐश्वर्य और यश ला सकती है। आइए जानते हैं कैसे अलग अलग कन्याओं की पूजा से अलग अलग देवियों की कृपा प्राप्त की जा सकती है। विद्या और यश के लिए ब्राह्मण कन्या, धन और ऐश्वर्य के लिए वैश्य कन्या और राजसत्ता के लिए क्षत्रिय कन्या की पूजा की जाती है। कामना के हिसाब से जो है, किसी को विद्या या यश चाहिए तो ब्राह्मणी कन्या को बुला करके वह भोजन कराए, कोई धन चाहता है तो वैश्य की कन्या को बुलाकर भोजन कराए, कोई राजसत्ता चाहता है, मान प्रतिष्ठा चाहता है तो वह क्षत्रिय की कन्या को बुला करके भोजन कराए, कोई सेवा भाव चाहता है, मोक्ष की प्राप्ति चाहता है तो वह किसी शूद्र की कन्या को बुला करके अगर भोजन कराता है तो उसकी मनोकामना है। काशी के विद्वान पंडित संजय उपाध्याय बताते हैं कि कन्या पूजन की उम्र क्या होनी चाहिए और इससे क्या परिणाम मिलते हैं। उन्होंने विशेष रूप से यह भी बताया कि इन कन्याओं को देवी के विभिन्न रूपों का दर्जा दिया गया है। 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है। उनका शास्त्र में धर्म सिंधु जैसे शास्त्र में नाम दिया गया, मैं बतला देता हूँ। उनका क्रम यह है कि 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक जो है कुमारी होती हैं, उसके ऊपर जो है त्रिमूर्ति होती हैं, उसके ऊपर कल्याणी होती हैं, उसके बाद रोहिणी होती हैं, उसके ऊपर काली होती हैं, उसके ऊपर चंडिका होती हैं, फिर सांभवी होती हैं, दुर्गा होती हैं, फिर उसके बाद 9 से लेकर 10 वर्ष तक जो होती है भद्रा, उनकी संज्ञा होती है। ये 9 देवियों के जो है नाम है। अगर आप भी नवरात्रि में कन्या पूजन कराने जा रहे हैं तो इस प्राचीन विधि का पालन जरूर करें और देखें कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आता है। लोकल 18 वाराणसी से अभिषेक जायसवाल की रिपोर्ट।